अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर एक बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया गया। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से उर्दू मीडिया फेडरेशन की जानिब से जो खास मुलाकात का प्रोग्राम महमूद अली साहब के साथ किया गया था, लेकिन अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर एक बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया गया, और बड़ी तनाजे का मसला यह है कि खुलफ़ाए राशिदीन में 4 अरबाइन जो है उसमें खलीफा दुअम हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला के मामले को लेकर एक उनकी बात को क्या कट करके पेश किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या फिर हकीकत में वज़ात दाखिला हमारे मोहम्मद महमूद अली साहब जो हमारे साथ मौजूद है उनकी जबान से, या वाकई में उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज निकले। इन तमाम हालात को जानने के लिए आज फिर वज़ीर दाखिला के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही कठिन मसला है। क्योंकि इस्लाम के अंदर जब भी मुखालिफत में आवाज उठती है तो सब जानते हैं कि शहर के हालात क्या हो जाते हैं, लेकिन इस तनाजे को ठंडा करने के लिए अब वज़ीर दाखिला का वजाहत बयान जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से खैर मकदम करूंगा कि जिस तरीके से महमूद अली साहब आपके ऊपर बड़ा इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी की है, उनको आपने KCR के तावे की है, ये बड़ी बात नौज़ बिल्लाह। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे वजाहत बयान में आप? अब्दुल्ला भाई, ये कभी सोच भी सकते हैं? कोई भी बात बताना चाहता हूँ जी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने तो हजारों की गर्दनें भी शहीद कर दी जाए तो मामूली बात है जी। हम बड़ा एहतराम करते हैं, हम मुसलमान हैं बराबर। हम जो है महात्मा गांधी से कंपेयर किया गया, क्योंकि हम हमेशा KCR साहब को दूसरा गांधी करते हैं जी। हमने खुद कहा कि हमारे तेलंगाना के दूसरे गांधी जी KCR साहब जन्म के बारे में कहें, आप देख लीजिए, आप तफसील से हमारे बयान को दीजिए। एक चैनल वाले ने उसे, जो हमारे अपोजिट में काम कर रहा है, उसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया जी। और मैं कल खुद बहुत बड़े बड़े उलमाओं के साथ बैठा था, मुफ्तियों के साथ बैठा था खम्मम में जी। पूरा उस पर डिस्कस भी किया और कहा कि वो तोड़ मोड़ के पेश करने के बाद भी किसी को तकलीफ है तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ कहा। और मैं तो बहुत एहतराम करने वाला आदमी हूँ, और उलमा बहुत उलमाओं को और मशाखीन हजरात को, और खासतौर से हमारे खुलफा राशिदीन ने तो बहुत बड़े दिन है, वो किधर से किधर मिला सकते हैं आप जी। मैं माजर से कहना चाहता हूँ कि लोग इस तरह से सोच रहे हैं वो बहुत, हम तो ख्वाब में क्या सोच भी नहीं सकते इसी बात। आपकी बात को लेकर मतलब तमाम मुसलमानों में बरहमी की लहर फैली हुई है कि हकीकत में आपकी जो वीडियो को तोड़ मड़ो के पेश किया गया उसके तो हम वजाहत करेंगे, लेकिन आप उन तमाम लोगों को जो बरहमी की हालत में हैं, आपके खिलाफ बहुत सारे नाजीबा अल्फाजों का भी इस्तेमाल हो रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनसे कहता हूँ कि आप सोचिए जी, हम भी मुसलमान हैं और हम भी बहुत हलाल रोजी खाते हैं, बहुत पक्के मुसलमान हैं, बहुत ईमान पे चलने वाले मुसलमान हैं। हम किसी तरह किसी कोने में भी इस बात नहीं सोच सकते जी। हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो हम नहीं सोच सकते खुलफ़ाए राशिदीन का जो मुकाम होता है जी। मैंने कहा कि महात्मा गांधी से किसी ने सवाल किया था कि आप कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जी, हमने सुना तो है। महात्मा गांधी इस्लामी लीडर से बहुत अच्छा वाकिफ थे जी। उन्होंने कहा मैं बहुत से लोगों के बारे में, हुक्मरानों के बारे में पढ़ा हूँ, पर सबसे अच्छा रूल रहा तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाने का रोल रहा है, उसी तरह का रूल जो है मैं देखना चाहता हूँ, इस तरह अमन उस तरह तरक्की चाहता हूँ। और नऊज़ बिल्लाह मैं किस तरह भी बोल ही नहीं सकता, और उसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया। अगर किसी को मेरी वजह से, इस बयानबाजी की वजह से कोई तकलीफ है तो मैं कल भी कहा माफी चाहता हूँ, आज भी कहता हूँ माफी चाहता हूँ। चलिए, लोग जो है बहुत जल्दबाजी में, कुछ लोग जो है गलत गलत तरीके से इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और मैं जो बयान दिया था आप तफसील से देख, मैं कहा गांधी जी के बाद तेलंगाना का दूसरा महात्मा पैदा हुआ तो KCR साहब जी। तो यानी वजाहती तौर पर यह वाजे है कि महमूद अली साहब का जो बयान था कि महात्मा से किसी ने सवाल किया कि किस तरीके का आप रोल चाहते हैं, तो उन्होंने उमर फारूक रज़ी अल्लाह के दौर की बात कही, और यहाँ पर इनकी बात को किस तरीके से तोड़ कर पेश किया गया वो हम आप बराबर हमारे अपने तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए बताएंगे। लेकिन मैं उन तमाम से भी कहना चाहता हूँ कि कुछ मफाद परस्ती, चाहे आपके अपने मुहासिमत किसी भी ताल्लुक से हो, कोई भी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, लेकिन मजहब इस्लाम को लेकर आप जिस तरीके से तनाजा खड़ा कर रहे हैं ये आपके अपने लिए नुकसानदा हो सकता है, ये शहर के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए नुकसानदा हो सकता है। तो मैं आप सभी उन हजरात को भी इंतबाह देता हूँ कि बेवजह इंतखाबी मौसम के दौरान इस तरीके से खुलफाए राशिदीन को लेकर हो या इस्लामी मजाहिब के ताल्लुक से हो, किसी भी मजहब के ताल्लुक से आप अपने चंद वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के जज्बात को मजरू ना करें। तो इस तरीके से हमारी खास मुलाकातें जारी रहे कि लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बात को लेकर जो तनाजा खड़ा किया दिया गया, उस मामले का खुलासा करने के लिए हम वज़ीर दाखिला के पास मौजूद हुए, और उन्होंने फिर एक मरतबा अवामुन्नास के दिल को पहुंचने वाली ठेस को लेकर माफी मांगी है, और उन्होंने कहा कि अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। बड़े-बड़े
तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? उमर फारूक रजी अल्लाह के दरबारे के हुकूमती भाई से हुकूमती पूछना नहीं चाहते, क्योंकि तारीख बताती है दुनिया में कभी इंसाफ हुआ है अगर उमर फारूक रजी अल्लाह के दरबारे में इंसाफ हुआ है, उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा का दूसरा महात्मा 1954 में